कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को प्रदेश दौरे पर रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला तो वहीं पर जनता को अपना विजन बताया। राहुल गांधी के बयानों पर भाजपा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और राहुल गांधी के न्यूनतम आय गारंटी योजना के वायदे को झूठा करार दिया। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा कि झूठे वायदे करके जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। गोयल ने कहा कांग्रेस की सरकार तो बनेगी ही नहीं। इस दौरान गोयल ने महागठबंधन और घनश्याम तिवाड़ी के कांग्रेस का दामन थामने पर निशाना साधा। आज मैं टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में विजय संकल्प सभा के लिए गया था। सभा बहुत ही अच्छी रही। सबसे बड़ी बात क्या है, ये राजस्थान में मेरी दूसरी सभा है। दोनों सभाओं में मैंने देखा कि लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और उससे भी ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अत्यंत उत्साह है। अभी अभी विधानसभा के राजस्थान में चुनाव हुए, आज उस उत्साह को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों के अंदर क्यों हारी और उसके क्या। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।